नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के फुलवा पट्टी गांव से संबंध रखने वाले जितेंद्र कुमार कुशवाहा की। जी हां, ये किसान केले की खेती करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि आज के दौर में पारंपरिक तौर पर उगाई जाने वाली फसलों में भी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितेंद्र भी एक ऐसे ही किसान हैं। सफल किसान भी ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक ऐसे किसानों की सफलता की कहानी पहुंचा रहे हैं जो कि नवाचार को अपना रहे हैं, नई तकनीक को अपना रहे हैं, चाहे वो बात हो कृषि स्टार्टअप की या फिर पशुपालन की, इसके अलावा नई नई फसलों को अपनाने की बात हो। ये किसान हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं और आज के हमारे सफल किसान हैं जितेंद्र कुमार कुशवाहा, जो कि केले की खेती करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 323 किलोमीटर दूर है कुशीनगर जिले के कसिया ब्लॉक फुलवा पट्टी गांव में एक ऐसे सफल किसान रहते हैं जिन्होंने अपनी सोच और काबिलियत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। ये किसान हैं जितेंद्र कुमार कुशवाहा। जितेंद्र एक पढ़े लिखे किसान हैं जो सफलता के नए आयामों को छू रहे हैं। अपने साथ दर्जन भर परिवार को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। जितेंद्र पहले मुख्य रूप से धान गेहूं की खेती किया करते थे, लेकिन उन्हें परंपरागत खेती रास नहीं आई और उन्होंने ठाना कि खेती में कुछ अलग हटके करना है। ऐसे में उन्हें मदद मिली कृषि विज्ञान केंद्र से, जहां के वैज्ञानिकों और तमाम लोगों की मदद से वो आज सफल किसान बनने की राह पर लगातार अग्रसर हैं। जितेंद्र ने 49,000 की लागत से 1 एकड़ में पौधे लगाए, जिससे पहली बार में उनको 2,72,000 का मुनाफा हुआ। हम किसान लोग यहाँ 2014 से पहले जो है कृषि कार्य करते थे, लेकिन परंपरागत धान गेहूं की खेती किया करते थे। कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया के वैज्ञानिकों जैसे जो है श्री अशोक कुशवाहा जी, अशोक राय जी और द्विवेदी जी के कहने के वजह से जो है हम लोग केले की जो है खेती करना शुरू किए। सबसे पहले 2014 में हमने जो है 1 एकड़ केला लगाया था। 1 एकड़ में हमारी लागत जो है 49,500 रुपये की आई थी और हमारी टोटल कटिंग जो यील्ड थी वो 2,72,000 की हुई थी। तो हमने देखा कि जो है जो 6-7 बीघा हमारे पास खेत है उससे जो अपनी उपज पूरा जो है फ़ायदा साल में नहीं ले पाते थे, वो 1 एकड़ से हमने लिया जो 7 एकड़ के भी भारी था। तो इन लोगों के जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा प्रोत्साहित होने पे और कृषि विभाग के भी संपर्क में आने से हम लोग खेती और बढ़ाते गए। अब उसके बाद हमने क्या किया जो है जो हमारे पास पैसे आए तो एक 2850 पौधे का जो है हमने एक प्लाट पर लगाया और उससे जो हमारी 2016 में जो यील्ड आई थी उसका कोई जो है एक व्यापारी आया तो वो 7,50,000 रुपये जो है ऐसे थोक भाव में दे रहा था टोटल का, लेकिन मैं उसको न दे करके और एक कस्या के व्यापारी हैं श्री राधे कुशवाहा, उनको जो है ये कटिंग करके और ये केले पैक करके कैरेट में गई और उनके वहाँ चैम्बर में लगी तो उसके दाम जो है 12 लाख प्लस मिले थे। इसके वजह से ही मैं वहाँ से प्रेरित होकर के जो है और ये चैम्बर उसी साल जो है लॉकडाउन पीरियड में जो है 2019 में मैंने लगाया था। अब ये चैम्बर लगाने के बाद जो केला हमारे अपने खेत से 300 रुपया 250 रुपये का बिकता था, जब हमारे चैम्बर से होके जाने लगा, बिकने लगा पका करके जो है, तो उसका दाम जो है 500 से 600 रुपया आने लगा। सिर्फ जितेंद्र ही नहीं बल्कि कई किसान आज परंपरागत फसलों जैसे गेहूं व मक्का की खेती छोड़कर नकदी फसलों की खेती की ओर रुक कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि केला एक नकदी फल है और केले की खेती से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। बाजार में इसके भाव भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और बिक्री भी साल भर होती है, तो बेचने में भी कोई समस्या नहीं आती। इस हिसाब से देखा जाए तो केले की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। हमारे सफल किसान के जीवन में भी कई तरह के बदलाव केले की खेती शुरू करने के बाद आया।
आज के दौर में परंपरागत खेती से हटकर अगर आप कुछ नया करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, तो ऐसे में आमदनी को बढ़ाने के विकल्प भी बढ़ जाते हैं। जितेंद्र कुमार कुशवाहा भी ऐसे ही किसान हैं जो कि केले की खेती कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो नई तकनीक और नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें कई गुना ज़्यादा लाभ हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। केले की खेती सूझबूझ के साथ की जाए तो बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे जितेंद्र कर रहे हैं। केले की फसल मुख्य रूप से 12 से 14 महीने की होती है। जून से जुलाई के महीने तक इसकी बुवाई की जाती है। जितेंद्र G9 किस्म के केले उगाते हैं। इससे मिलने वाले फायदे को देखते हुए जितेंद्र साल 2025 तक केले के 20,000 पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के जो है बार बार जो है मैं इन क्षेत्र पे दौड़ा होने के और उनको समझाने के हिसाब से हम लोग जो है केला की खेती 2014 में शुरू किए। 2014 में जब शुरू किए तो कृषि वैज्ञानिकों का आना जाना बराबर लगा रहता था। उन लोगों के समझाने के हिसाब से हम लोग खेती का कारोबार शुरू किए। केला को उन लोगों ने कहा कि एक व्यावसायिक खेती है, इससे आपकी जो परंपरागत खेती करते हैं उससे यील्ड अच्छी आएगी, और जो हकीकत में हुआ। केला की खेती करने के लिए हम लोग शुरू में जो है उतना प्रशिक्षित नहीं थे। बाद में जो है हमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए जाने के हिसाब से जो है कि जून से यानी 1 जून से लेकर के और 15 जुलाई तक जो हमारे वहाँ केले के पौधे लगाए जाते हैं उनकी फ्रूटिंग जो है मार्च में बहुत अच्छी घार निकलती है, और अपने देख रेख के हिसाब से जो है मतलब क्या लागत आनी है। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली तौर पे इसको कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 1 एकड़ जो है केले की खेती में पौधे से लेकर के और पूरा अपना मैन्योर खाद पानी पूरा अगर देखा जाए तो लगभग जो है 50-55 हज़ार रुपये जो है 1 एकड़ में बैठती है। धीरे इसमें जो है विशेष करके अगर ये ध्यान दिया जाए कि फोलियर स्प्रे अगर स्प्रे पे आधारित हुआ जाए, जैसे जो है 052-34-13-045-19-19 का स्प्रे करने पे पौधे की यील्ड जो है बढ़िया आती है, इनका ग्रोथ भी अच्छा होता है और जो इससे फसल मिलती है वो भी अच्छा मिलता है। तो बार बार जो है कृषि वैज्ञानिक जो सरगटिया जो है कृषि विभाग के लोग भी जो है आते रहे, हम लोगों को बीच बीच में प्रशिक्षण देते रहे, उससे हम लोगों की खेती दिन रात जो है और सुधरती गई। और आज स्थिति ये है कि हम लोग जो है यहाँ धीरे धीरे खेती बढ़ाते लगभग जो है हम 20,000 पौधे जो है खुद लगभग हर साल लगा रहे हैं। इससे जो है 15-20 लोगों को और भी रोज़गार मिला हुआ है। केले की कटिंग से लेकर के इसमें खेत में निराई गुड़ाई, चाहे इसे पौधे इल्ड जो आती है काट करके केला जो है हमारे चैम्बर तक जाता है, चैम्बर में से पका करके भी बिकता है, तो काफ़ी लोगों को इसमें रोज़गार मिला हुआ है। हम इस समय ब्लॉक कसिया के ग्राम फुलवापट्टी में किसान के खेतों पर घूम रहे हैं। यह केला की खेती है। पहले किसान धान गेहूं की खेती किया करते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े, किसानों की इनकम बढ़े, उसके लिए परंपरागत खेती जो धान गेहूं की है उससे हट करके कुछ सब्जियों की फलों की खेती पर ये लोग डाइवर्ट हों। तो आज उसका जीता जागता उदाहरण दिख रहा है। यहाँ पर लोगों ने केला की खेती में आगे आए, और केला की खेती पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉपर रोग कीड़ों का देखरेख, उसको करने से किसानों को लाभ अच्छी मिल रही है। तो जिस फील्ड में हम खड़े हैं ये फील्ड जितेंद्र कुशवाहा का है। इन्होंने केला की जो पौधरोपण की है ये टिश्यू कल्चर G9 वैरायटी है, जिसका कि रोपण 6 फीट बाई 6 फीट लाइन से लाइन 6 फीट और पौधे से पौधे 6 फीट की दूरी पर लगाया गया है। ये 6 फीट लगाने से ये दूसरा फायदा है कि जो इसका अंतर सस्यन करना है, अंतर सस्यन वो मशीनीकरण के द्वारा हो सकता है, और अंतर सस्यन मशीनीकरण से होने से इनकी लागत बचती है। यही अगर मैनुअली कराना हो तो इस पर खर्च ज़्यादा आता है और मशीन से कराने का खर्च कम आता है। और देखिए, हर पौधे के पास कोई एक्स्ट्रा शकर्स नहीं है। जब तक कि पौधे में फल न लटक जाए तब तक दूसरा शकर नहीं निकलना चाहिए। तो किसान को समय समय पर हम लोग आकर के मॉनिटरिंग करते हैं, इनको तकनीकी सलाह देते रहते हैं कब क्या करना है, तो उस हिसाब से ये करते जा रहे हैं। अपने देश में केले की 500 से अधिक किस्म उगाई जाती हैं। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि केले की खेती समुद्र की सतह से
2000 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। केले की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अत्यधिक सर्दी और ज्यादा गर्मी दोनों ही केले के पौधों के लिए हानिकारक हैं। किसान एक हेक्टेयर में 60 टन केले उगा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो केले की खेती से जुड़े कुछ और पहलुओं के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में आज हम आपको बता रहे हैं जितेंद्र कुमार कुशवाहा की कामयाबी की कहानी के बारे में, जो कि केले की खेती करते हैं। जी हां, आज के समय में केले की खेती से उन्हें सालाना 30 लाख रुपए तक की आय हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से केले की खेती को वो नई ऊँचाइयों तक ले जाने में कामयाब हुए हैं। केले की मांग भी साल भर बनी रहती है, क्योंकि ये आम लोगों की पहुंच में है और हर वर्ग हर उम्र के लोगों को ये पसंद भी आता है। केले की खेती से जुड़े कुछ और बातें आप तक पहुंचाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। इतना तो साफ है कि केले की खेती अगर सही तरीके से की जाए तो अच्छी आमदनी हो सकती है। जितेंद्र को कुशीनगर में केले की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिला। उनके जैसे और कई दूसरे कमजोर किसानों को खेती करने के लिए प्रेरणा मिल सके। जितेंद्र की प्रति हेक्टेयर लागत लगभग 1 लाख रुपए आई और उस पर लागत 30,705 रुपए का मिला। कुशीनगर में लगभग 15,000 हेक्टेयर में केले की खेती की जा रही है और मुख्यतया यहाँ पर G9 प्रजाति का जो केला है उसकी उपज किसानों द्वारा ली जा रही है, जिसकी लागत पे लगभग प्रति हेक्टेयर लागत 1.25 लाख के करीब है। इसके लिए जो टिश्यू कल्चर की जो पौध होती है वो वर्तमान में तो लोकल स्तर पे ही यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा उद्यान विभाग की तरफ से कुशीनगर में एक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को और भी गुणवत्तापूर्ण और उचित लागत पर जो है ये केले के जो पौधे हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद कुशीनगर केला की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 15,000 हेक्टेयर में केले की खेती होती है, जिसके द्वारा लगभग 11 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। केला पकाने के लिए केला राइपनिंग चैम्बर, इसकी स्थापना की जाती है, जो कि इस गांव में जितेंद्र कुशवाहा जी द्वारा इसका स्थापना किया गया है। इस बनाना राइपनिंग चैम्बर की स्थापना के द्वारा इनकी आय, जो कि पहले 15 लाख थी लगभग, अभी 30 से 35 लाख ये सालाना इनकम कमा रहे हैं। केला एक ऐसा फल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए फायदेमंद माना जाता है। इसलिए केले की खेती हमेशा मुनाफा देने वाली खेती मानी जाती है।
ऐसे में किसान अगर सही किस्म का केला लगाएं तो उन्हें बढ़िया कमाई हो सकती है। जितेंद्र की पहले सालाना कमाई 12 से 13 लाख होती थी, जो अब 30 से 35 लाख रुपए सालाना है। आज हम लोग फुलवापट्टी गांव में कस्या ब्लॉक में आज हम लोग श्री जितेंद्र कुशवाहा हमारे किसान हैं, उनके यहाँ हम लोग आज केला के जो रैपनिक चैम्बर है वहाँ हम लोग खड़े हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारी मैंडेट है उसमें प्रशिक्षण किसानों के गांव में जाके कुशीनगर जनपद में जो हमारे गांव हैं उसको चयन करके, तो वर्ष 2015-16 में ये गांव हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चयन किया गया। तो उसके दौरान जब हम लोग गाँव में आते थे तो जनरली यहाँ के किसान जो जनरल जो हमारे ज़िले के जो क्रॉप हैं गन्ना गेहूं धान सरसों मसूर दलहन तिलहन में यही सब उत्पादन जनरली करते थे। तो उसके साथ साथ जैसे अभी ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग किसानों को यहाँ ग्रुप बनाए चयन किए, तो केला का चूँकि यहाँ पे जो हमारी जलवायु है मिट्टी है वो केले के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बलुई दोमट मिट्टी यहाँ की ज़मीन है जो कि केले की बहुतायत, अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसके खेती करना धीरे धीरे गांव में जागरूकता हम लोग ले आए और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से G9 प्रजाति यहां पर श्री जितेंद्र कुशवाहा के यहां हम लोग प्रदर्शन कराए। उसके साथ साथ जो केले की खेती में इंटरक्रॉपिंग जो अंतःशस्य फसलें हैं उसमें हम लोग सब्जियों का क्रॉप लिए, तो उसमें हमारा अतिरिक्त आमदनी बढ़ा। धीरे धीरे 2015-16 के बाद 2019 में लगभग ये किसान केले के क्षेत्र में ये कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे, और आज हमारा ये मानना है कि ये इस गांव के आसपास के जो हमारे गांव हैं उस गांव में भी करीब 500-600 हेक्टेयर एरिया में इस केले का उत्पादन बहुतायत रूप से G9 प्रजाति का किया जा रहा है। केला आपके जेब के साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। केले को फल और सब्जी दोनों तरीके से उपयोग किया जाता है। केले में आयरन और फोलेट की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये अनीमिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। केले एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन विटामिन ए और कैरोटीनॉइड से भरपूर होते हैं जो आंखों की रोशनी में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है थोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे केले की खेती से हमारे किसान लाभ ले सकते हैं, केले की तमाम गुणों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। मंजिल तक पहुंचना और आसान हो जाता है अगर आपको सही मार्गदर्शक मिल जाए। जी हाँ, ये बात कृषि के क्षेत्र पर भी लागू होती है। अगर हमारे किसानों को वैज्ञानिक सलाह सही समय पर मिल जाए तो उनके लिए भी चुनौतियां कम हो जाती हैं और विकल्प बढ़ जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे केले की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों का निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र और किसान सहायता केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं।
जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमारे सफल किसान जितेंद्र कुमार कुशवाहा को भी केवीके से मिले प्रशिक्षण से ही केले की खेती करने में मदद मिली। कुशीनगर जिले में लगभग 15,800 हेक्टेयर में केला की खेती हो रही है। लगभग 11 लाख टन केला का उत्पादन हो रहा है और किसान भाई केला का उत्पादन तो कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसका रेट नहीं मिल रहा था बाजार में। तो किसान सोचे कि इसका क्या उपाय किया जाए, तो कृषि विज्ञान केंद्र सरगटियाँ संपर्क किए और उनको केला के विभिन्न उत्पाद के बारे में बताया गया। केला का उत्पाद बना सकते हैं, केला को पकाने के लिए बताया गया। तो यहाँ जितेंद्र कुशवाहा जी इस गांव के किसान हैं, जो कि केला पकाने का एक यूनिट लगाए और आज जो किसान केला 700-800 बेच रहे थे, वो लगभग 30% ज़्यादा लाभ में केला बेच रहे हैं। और आज उसी केले का लाभ, जो कि 800-900 पहले बिकता था केला, आज रैपनिंग चैम्बर से केला निकलने के बाद लगभग 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है केला। तो निश्चित है कि केला के रैपनिंग चैम्बर को लग जाने से किसानों के लाभ में 30-40% का इजाफा हुआ है। और इस प्रकार से अगर पूरे केले को रैपनिंग चैम्बर में पका करके बेचा जाए तो केले का भाव ज़्यादा मिलेगा और यहाँ के किसान अपने उत्पाद को बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। पिछले कुछ सालों में जितेंद्र ने न केवल अपने खेत बल्कि पूरे गांव की खेती की तस्वीर बदली है। जितेंद्र से खेती के गुर सीख कर आसपास के किसान आज खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरे किसानों के लिए वो नजीर बन रहे हैं। आज गांव में उनके अलावा अनेकों किसान केले की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जितेंद्र अपनी जिंदगी में खेती के माध्यम से सब कुछ हासिल कर चुके हैं। जितेंद्र आज एक बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं और मौका पड़ने पर खेत में मजदूरों के साथ घंटों खेतों में जुटकर पसीना भी बहाते हैं। मैं जो है आने वाले दिन में ये जो हमारे नए युवा पीढ़ी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 15-10 साल पहले मैं भी जो है क्या करूं क्या ना करूं इसके लिए परेशान था, लेकिन मैं धीरे धीरे जो है कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया के वैज्ञानिकों द्वारा सलाह देने पे मैं जब कृषि में आया तो आज स्थिति यह है कि मैं अपने जो जेब खर्चे नहीं चला पाता था ऐसे 10 साल पहले, आज मेरी कंडीशन यह है कि मेरा सालाना टारगेट जो है लगभग 35-40 लाख का बना हुआ है। मैं इसको और आगे ऊपर तक ले जाना चाहता हूं। तो मैं किसान आजकल नौजवान किसानों से ये चाहूंगा कि वो भी जो है थोड़े थोड़े अगर उनके पास अपनी खेती नहीं है तो वो लीज पर ले करके रेहन के तौर पर ले कर थोड़ा सा इसमें अग्रसर हों और देखें इसमें बहुत ही संभावनाएँ हैं, जिससे अपनी रोजी रोटी तो चला ही सकते हैं, वो दूसरे के भी रोजी रोटी को इंतजाम दे सकते हैं। तो मैं आज के नौजवानों से ये चाहता हूँ कि वो इस क्षेत्र में आएं और खेती को जो है व्यवसायिक खेती करके जो है इसमें लाभ कमाएं और दूसरे को भी लाभान्वित करवाएं। केला मुनाफे वाली फसल है, इतना तो साफ है, और शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों में किसानों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। अच्छी बात ये है कि केले की खेती में फल प्राप्त करने के बाद बेकार पौधों का भी उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जा सकता है। केले के तने और पत्तियों का भी उपयोग कर फसल को उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे बनी खाद फसल के लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है और इससे उपज भी अच्छी मिलती है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको दिखाई सफलता की कहानी कुशीनगर से संबंध रखने वाले जितेंद्र कुमार कुशवाहा की। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं किसी किसान की कहानी हम कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल करें या फिर पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। सफलता की कुछ और नई गाथाओं के साथ सफल किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी, पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गांव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है? तिलका मांझी तो बहुत। बख्शी जगबंधु का नाम सुना है? बख्शी जगबंधु तो हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के, और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल,